अब इसमें कुछ और भी चीज़ें, एक्चुअल कंपोनेंट्स की तरफ जाने से पहले हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से आज हमें ये भी निपटाना है और आज हमें टेम्पलेट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करना है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव होंगे। तो मैं सारी चीज़ें आपको ज़ाहिर है यहाँ पे कवर नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने क्या करना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये कस्टमाइजेशन पे आप आ जाएं, और सॉरी कस्टमाइजेशन नहीं, टाइपोग्राफी। अच्छा, टाइपोग्राफी जैसे हमने एचटीएमएल में एक दफ़ा पढ़ी थी, लेकिन वो पूरी एचटीएमएल की चीज़ें ना यहाँ पे आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। जितना भी कुछ आप एचटीएमएल में पहले से पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे इसमें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उन्होंने कस्टमाइजेशन की भी है सब में। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो H1 से लेके H6 तक होता था वो अब ऐसा दिखेगा, सही है? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि पहले कैसा दिखता था HTML में? फॉन्ट चेंज है इसमें, पहले फॉन्ट कैसा था? चोंच वाला फॉन्ट का, सही है, सेरिफ था, ये है सैन सेरिफ। तो इन्होंने बता दिया कि भाई ऑल HTML हेडिंग H1 थ्रू H आर अवेलेबल लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि या तो आप डायरेक्ट ऐसे करके ना H1 का टैग इस्तेमाल करें, और या तो आप क्या करेंगे डॉट H1 भी आप लगाएंगे ना क्लास करके, तो भी ये सेम चीज़ आपको बना के देगा। ये देखो सेम चीज़ है, वो ऊपर का H1 और ये वाला H1 एक ही बात है। तो आप या तो क्लास लगा देंगे H1 या तो टैग लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास क्या होगा कि हेडिंग के अलावा कुछ फैंसी हेडिंग्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि म्यूटेड टेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा, ठीक है। H3 है ये, ओवरऑल पूरा H3 है ये, बट म्यूटेड लगाया ना इसने तो वो थोड़ा सा म्यूट हो गया कलर उसका। उसके अलावा डिस्प्ले हेडिंग्स हैं। डिस्प्ले हेडिंग्स का मतलब क्या है कि वो एक्चुअल में हेडिंग होगी नहीं, लेकिन वो बड़ी होकर दिखाएगा आपको हेडिंग की तरह। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ सकती है? लेकिन उसमें SEO के अंदर हेडिंग की एक अपना वेट होता है हेडिंग का। अगर मुझे वो वेट नहीं लगाना है लेकिन स्टिल मुझे टेक्स्ट बड़ा करके दिखाना है तो मुझे ये वाला इस्तेमाल करना होगा, है ना। अच्छा, तो ये कैसे करके Display 1, Display 2 करके Display 6 तक है, सही हो गया। अच्छा, अब ये आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये कौन सा वाला जो आपका हेडिंग है ना डिस्प्ले का और उसका साइज़ क्या है, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो CSS की फाइल है ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, क्या फ़र्क है इसमें? थोड़ी डिफरेंट है ना ये, इसमें करली ब्रैकेट्स नहीं है, कॉलम बाद में लगा हुआ है और डॉलर भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है ये तो भी थोड़ा सा बताता हूँ मैं। ये SAS है, सही है, SAAS, सही है, अभी आगे आ जाए। अच्छा, लीड डॉट लीड करके आप लगाओगे तो थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। मेक अ पैराग्राफ स्टैंड आउट बाय लीड, एक लीड करके भी क्लास इन्होंने ऐड की हुई है इसमें। अच्छा जी, पानी आ रहा है? अच्छा यार, वो ज़रा बता दो काउंटर पर, तो वो ये उसको सही कर देंगे, इनको जाके बता दो बाहर, वो भेज देंगे किसी को। अच्छा, इन लाइन एलिमेंट्स कुछ जो हैं आपके वो अब इस तरह से दिखा करेंगे ये लगाने के बाद, बूटस्ट्रैप लगाने के बाद। तो क्या किया है इसमें, एक मार्क करके टैग इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उससे ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। DEL करके हम लगाते थे, उस पर लाइन आती थी ना टेक्स्ट पर, अब इस तरह से दिखा करेगी वो। ये ओरिजिनल वाले से थोड़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपको इन्होंने बता दिया कि भाई स्मॉल का एक टैग है, अंडरलाइन का एक, INS का टैग है, ये सब हम पढ़ चुके हैं HTML में, है ना, ये सारे टैग होते थे। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंस है ओरिजिनल वाले रिजल्ट से। अच्छा, हर टैग के बारे में फिर उन्होंने डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई है। टैक्स यूटिलिटीज़, अच्छा पहले हम एब्रीवेशन लिखते थे, जो अब एब्रीवेशन हम ऐसे लिखा करेंगे, ATTR करके डिस्प्ले होगा ये, और उसका जो एब्रीवेशन होगा वो एट्रीब्यूट होगा। तो अब देखो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली कर्सर भी कैसा बना हुआ आ रहा है, और थोड़ी देर हवर करता हूँ तो टूल टिप की तरह वो मुझे नज़र भी आ रहा है नीचे, ठीक है। ओरिजिनली ऐसा नहीं होता था, ओरिजिनली कैसा होता था, ओरिजिनली तो वो सेमेंटिक टैग है ना, स्क्रीन पर कुछ आता ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ वैल्यू एडेड उसमें कर दिया है।
आपने अगर ये टाइटल ऐसे करके लगाना है और इसको मतलब इस फ्रेमवर्क में रहना है अगर आपने, तो आपको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉक कोड बाई डिफॉल्ट थोड़ा सा उसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है, क्लास ब्लॉक कोड आपने इस्तेमाल करना है जब जाके ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी इसके ऊपर। नेमिंग सोर्स, फिगर कैप्शन जो आप लगाते थे वो बाई डिफॉल्ट इस तरह करके डिस्प्ले होगा, इसमें कुछ CSS इन्होंने पहले से लगा दिए, ऐसे करके लिखोगे ऐसे करके वो डिस्प्ले होगा। आ जाओ, अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी इसने मुख्तलिफ कर दी है, टेक्स्ट सेंटर करके क्लास लगाओगे तो टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इसके लिए क्या लगाते थे, एक CSS का रूल अप्लाई करते थे, लेकिन अब ये काम क्लास से ही करवाएंगे, ये क्लास बना के इन्होंने दे दिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, लिस्ट कैसे दिखा करेगी, अब लिस्ट ऐसे दिखा करेगी, पहले इसके बुलेट्स थोड़े मुख्तलिफ होते थे बाई डिफ़ॉल्ट, अब ऐसे होंगे, ठीक है। नेस्टेड अगर लिस्ट होगी तो वो कैसे दिखेगी। अच्छा, उसके अलावा डेफिनेशन लिस्ट ऐसे दिखा करेगी बाई डिफ़ॉल्ट, ये वर्ड है ये उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिस्ट हमने पढ़ी थी जब लिस्ट पढ़ रहे थे, तो थोड़ा इसने खूबसूरत करके पहले से ही बना दिया है बाई डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये क्योंकि सास इसमें बिल्ट इन सपोर्ट है उसकी, तो आप अपनी CSS की फाइल में वेरिएबल्स भी बना पाएंगे, सही है, ये वेरिएबल्स हैं कि आपने एक दफ़ा सेट कर दिया। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि फॉन्ट वेट, ठीक है, आपने कहा डिफॉल्ट फॉन्ट वेट जो भी है, तो वो आपने एक वेरिएबल बना दिया, आपने कहा 500 है मिसाल के तौर पे। अब कहीं पे भी आपने इसका डबल करना है अगर, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि हेडिंग या फॉन्ट वेट मल्टीप्लाई बाई टू, जैसे इन्होंने आप देखो करके भी बताया हुआ है, ये काम भी कर सकते हैं आप। अच्छा हाँ, अच्छा सास के बगैर नहीं आते, अब वो कैसे आते हैं, ये रीबूट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए बिहाइंड द सीन। वो तरीका अलग है ना, सिंटैक्स अलग है वो, ठीक है, ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं रीबूट। तो ये वेरिएबल बनाने का और जो भी चीज़ें इसमें होती है ना, इसको कैसे करना है, इसके लिए रीबूट को देखना पड़ेगा कि रीबूट में उन्होंने कैसे बनाना बताया हुआ वेरिएबल। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि आपके लिए वेरिएबल बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप वेरिएबल नहीं बनाना चाहते, आप नॉर्मल जिस तरह CSS लिखते थे आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल, मेरा पर्सनली ये मेरा ख्याल है कि वेरिएबल बनाने की ज़रूरत ना बहुत रेयर केसेस में पड़ती है, ठीक है, मुझे आमतौर पर वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। अब ये वो वाली चीज़ है, ये जो सास था ना, ये इसको SCSS और सास, ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक जिनको CSS का पार्ट नहीं बनाया गया, ये अभी तक लाइब्रेरी लेवल पे इस्तेमाल हो रही हैं, लाइब्रेरी अटैच करके इस्तेमाल होती हैं, जैसे फ्लैक्स बॉक्स है, ये भी एक ज़माने में लाइब्रेरी करके इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वो CSS का पार्ट है, तो ये अभी तक CSS का पार्ट नहीं है, ये एज अ लाइब्रेरी इस्तेमाल होता है। तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आप SCSS और सास की अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ जाके देख सकते हैं, रीबूट को आप स्टडी कर लें कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वहाँ पर आपको ईजिली ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। CSS की फाइल आप बनाएंगे जहाँ पे आपको जो बटन एग्जिस्टिंग है उसके अलावा आपने कोई बटन बनाना है तो आप CSS की फाइल बनाएंगे फिर, ठीक है, और अपनी खुद की क्लास बनाएंगे, आप कहेंगे माई बटन। अच्छा, तो ये कुछ डिफॉल्ट इन्होंने जो सेट किए हुए वेरिएबल्स उन सब का ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ज़रूरी चीज़, कस्टमाइजेशन का जो ओवरव्यू है कस्टमाइजेशन का, वो यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसा होना चाहिए आपका, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक तो होंगे नॉट मॉड्यूल्स। अच्छा, ये नॉट मॉड्यूल को फिलहाल आप इग्नोर करें क्योंकि आपको आइडिया नहीं है इसका भी क्या चीज़ है। इमेजिन करें यहाँ पे डायरेक्ट आपका ना बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर है, या बूटस्ट्रैप आपने क्लाउड से उठाया तो फिर ये नीचे वाला पूरा पार्ट होगा ही नहीं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। हमारे केस में हमने क्लाउड से उठाया CDN लगा के, तो ये वाला पार्ट पूरा हमारे प्रोजेक्ट में होगा नहीं। फिर आपके प्रोजेक्ट में एक SCSS करके एक फोल्डर होगा और उसके अंदर आपकी ना SCSS की फाइल होगी, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप SCSS की रखें, आप सिर्फ प्लेन CSS की फाइल भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्ट वाला केस भी हमारे केस में नहीं होगा क्योंकि हमने क्लाउड से डायरेक्ट उठाया हुआ है, ठीक है। एवरी सास वेरिएबल इन बूटस्ट्रैप इंक्लूड द डिफॉल्ट फ्लैग अलाउंग यू टू ओवरराइड द वेरिएबल्स
डिफॉल्ट वैल्यू इन योर ओन सास विदाउट मॉडिफाइंग बूटस्ट्रैप सोर्स कोड। अब मिसाल के तौर पे एक तो बूटस्ट्रैप के सोर्स कोड में ना बहुत सारे वेरिएबल्स जैसे पहले भी इसने जिक्र किया कि बने हुए, आपने उनमें से किसी एक की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो आपने क्या करना है, ये डिफॉल्ट का फ्लैग लगा के ना आपने वो वैल्यू चेंज करनी, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्टिल ये काम आप सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब आपने एस सी एस एस की फाइल बनाई हो। प्लेन सी एस एस में इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और ये होगा भी नहीं, प्लेन सी एस एस में ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एस सी एस एस की जो फाइल है उसमें लूप्स वगैरह भी चल जाते हैं। अच्छा लूप का भी आपको आइडिया नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, अभी हम ये पढ़ेंगे, तो इसमें लूप भी चल जाता है और मैप्स वगैरह भी चल जाते हैं जो कि लूप की ही एक किस्म है। ठीक है, तो ये मैप वगैरह को फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, कलर भी आप देखें, कलर के अगेंस्ट इसने क्या दिया हुआ है, एक वेरिएबल पास किया हुआ है। अब ये जो वेरिएबल है ना ये पहले से वहाँ पे बना हुआ है बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में इसने डार्क जस्ट कर दिया है कि यार डार्क कर दो इसको। अब इसको डिटेल में कवर होना चाहिए था असूलन तो, लेकिन इसको मैं डिटेल में कवर नहीं कर सकता। उसका एक तो रीज़न ये है कि बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क ना आते और जाते रहते हैं, तो कोई मोस्ट प्रोबेबली ये कोई दूसरा ही फ्रेमवर्क होगा जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, वो बूटस्ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप के बाद बहुत एडवांस फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं। ये वाला इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे में यही है जितने भी दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ने का इसलिए, यहाँ पे डिटेल में पढ़ाने का सेंस नहीं है, ये आपने खुद से पढ़ना है, ये आपके खुद से पढ़ने वाली चीज़ है। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है जी, तो ये सारा इन्होंने ना इस तरह बताया हुआ है कि एस सी एस एस की फाइल में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो बिल्ट इन बूटस्ट्रैप के अंदर वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, वो वेरिएबल आप चेंज करते हैं चीज़ चेंज हो जाती है। अच्छा जी, ब्रेक पॉइंट्स को ज़रा देख लेते हैं। ब्रेक पॉइंट हम मीडिया क्वेरी की सूरत में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अंडर द हुड ये भी मीडिया क्वेरी को इस्तेमाल करता है ब्रेक पॉइंट्स के लिए। ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स ये होते हैं कि भाई इस सर्टेन साइज से स्क्रीन अगर छोटी हो जाए तो ये काम कर दो, अगर इससे बड़ी हो जाए तो ये काम कर दो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। अच्छा, तो ब्रेक पॉइंट इन्होंने जो डिसाइड किया हुआ है कि एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन जो होगी ना वो 576 पिक्सल से 576 पिक्सल से कम जो होगी उसको ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन का नाम दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, उसके लिए क्लास कोई भी नहीं है, कोई क्लास नहीं लगाएंगे आप तो इसका मतलब है ये वाली बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद है स्मॉल डिवाइसेस। ठीक है, उसके लिए एस एम के नाम से क्लास बनाई हुई है। अच्छा, क्लास एस एम नहीं है, इनफिक्स है ये, जो भी क्लास होगी ना उससे पहले ये एस एम लगा हुआ होगा तो वो स्मॉल डिवाइस की क्लास है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि बटन एस एम डैश करके ऐसे करके लगाऊंगा। अच्छा, तो ये उसका साइज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये मीडियम को एक साइज़ है उसका, तो ये एक फिक्स पहले से इन्होंने चीज़ें डिसाइड की हुई हैं। इस ब्रेक पॉइंट को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उसका तरीका ये रहा। ठीक है, ये इन्होंने एक मिक्सिन बनाया हुआ है, आप ऐसे लिखेंगे ग्रिड ब्रेक पॉइंट और सबका नाम लिख के, और साथ में मिसाल के तौर पे ये एक्स एल को 1200 की जगह आप 1100 समथिंग करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ लिख देंगे आप, लेकिन उसके लिए आपको एस सी एस एस की फाइल बनानी होगी, वो स्ट्रक्चर बताया जा चुका है कि वो कैसे बनती है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो ब्रेक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड या थोड़ा सा कम जो भी आप करेंगे अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मीडिया क्वेरी लगाने का भी इनका एक अपना सिंटैक्स है, क्योंकि एस सी एस एस की फाइल हमने बनाई है, इन्होंने बोला है कि भाई ये बना लो। अच्छा, अगर आप एस सी एस एस की फाइल बनाते हैं तो आप मीडिया क्वेरी फिर इस तरह करके लगाएंगे। ठीक है, इंक्लूड मीडिया ब्रेक पॉइंट अप एस एम, ऐसे करके, सही है। अगर आपने प्लेन सी एस एस बनाई है तो आप प्लेन सी एस एस में जिस तरह मीडिया क्वेरी लगाते हैं वैसे लगाएंगे। ठीक है, अब आपको आइडिया हो रहा है कि फ्रेमवर्क के अंदर हम कैसे आते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हम फ्रेमवर्क के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। ये क्या रिएक्शन था? अच्छा, तो आपको अगर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है जिसमें मिनिमम विड्थ क्या हो 768 पिक्सल हो, तो आप ऐसे करके यहाँ पे बताएंगे कि यार मीडिया क्वेरी वैसे पहले किस तरह लगती थी, किसी को याद है स्क्रीन साइज के लिए? यहाँ पे इस लाइन में हम क्या लिखते थे, याद है किसी को? एड मीडिया स्क्रीन एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखते थे फिर आगे, है ना? तो ये सिंटैक्स थोड़ा सा बेहतर है, उससे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड सिंटैक्स है, बट ये सिंटैक्स बूटस्ट्रैप के
मीडिया क्वेरी वाले पार्ट में अगर आप बूटस्ट्रैप से मूव करते हैं किसी और फ्रेमवर्क पे, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको देखनी होगी. हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो. ठीक है, अभी इन्होंने सारी मीडिया क्वेरी वाली चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं कि यार आप कैसे कैसे मीडिया क्वेरी यहाँ पे लगा सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स को ज़रा देख लेते हैं. अब ये लंबी डॉक्यूमेंटेशन है सारी, ये जो सारा लाइन से ये लिखा हुआ है ना इन्होंने, आपने ये सारा पढ़ना है. सही है, ये कस्टमाइजेशन वाला ये सारा पार्ट पढ़ना है आपने, लेआउट वाले ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं आपने. ठीक है, जेड इंडेक्स पे अभी इन्होंने कुछ अपना कहानी लिखी हुई है, देख लेते हैं क्या लिखा है. जेड इंडेक्स आपको पता है क्या होता है, इन्होंने ये जेड इंडेक्स ना पहले से कुछ डिफाइन किया हुआ है, देख रहे हो, 1000, 1020, 1030, 1040, 20-20 का ऑफसेट दे के इन्होंने कुछ ये लिखा हुआ है. ठीक है, जो मॉडल जो खुलेगा, यानी क्लिक करने पर समटाइम एक बॉक्स खुलता है स्क्रीन के ऊपर, मॉडल जो खुलता है उसका जो बाई डिफ़ॉल्ट है जेड इंडेक्स वो 1055 है. अब अगर आपने कोई चीज़ ऐसी रखनी है जो मॉडल से भी ऊपर है, तो आपको इससे बड़ा रखना पड़ेगा उसको. ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं स्टिल, जैसे कि डॉलर शुरू में लिखा हुआ है, ये SCSS के वेरिएबल्स हैं. अच्छा, जेड इंडेक्स की कहानी बहुत थोड़ी सी है. अच्छा, फिर ये रीबूट इस्तेमाल करते हैं, रीबूट के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं इन्होंने. ठीक है, रीबूट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिक CSS चेंजेस इन अ सिंगल फाइल. किक स्टार्ट बूटस्ट्रैप टू प्रोवाइड एन एलिगेंट कंसिस्टेंट एंड सिंपल बेस लाइन बिल्ड अपॉन. ठीक है, अब रीबूट ना कोई चीज़ है जिसके जो शुरू में चलता है और उसके बाद बूटस्ट्रैप चलती है. ठीक है, इसमें ये अप्रोच क्या लिखी हुई है, CSS वेरिएबल्स इसके अंदर बनाने का तरीका बताया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ये पूरा डिस्कस हुआ हुआ है कि ये वेरिएबल्स वगैरह कैसे बनते हैं, क्या चक्कर है. ठीक है, नेटिव फॉन्ट स्टैक, इसके साथ फॉन्ट कौन कौन से चपक के आते हैं, ये हेडिंग्स वगैरह, ये वही चीज़ दोबारा डिस्कस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं, ये रीबूट के थ्रू हो रही हैं सारी चीज़ें. ठीक है, एंकर टैग बाय डिफॉल्ट इस कलर का दिखेगा, क्योंकि स्टाइल में आपने क्या लगा दिया है, ओपेक्सिटी लगा दी है 0.5. अब ये वाली जो स्टाइलिंग है, ये स्टाइलिंग बाय डिफॉल्ट CSS में तो नहीं होती, ये स्टाइलिंग कहाँ से उठ कर आई है, रीबूट से उठ कर आई है, तो ये भी आप लगा सकते हैं. ठीक है, और इसने क्या बताया यहाँ पे, कुछ और बताया. अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल रूल जो होता था HR करके जो होता था, वो अब आप कैसे लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं. मिसाल के तौर पे इसमें क्लास उन्होंने बताया, ये बॉर्डर, बॉर्डर डेंजर रेड कलर का बनकर आ रहा है, उसके अलावा बॉर्डर डैश 2 तो वो 2 पिक्सल का हो गया, बॉर्डर ओपेक्सिटी 50 तो इसकी ओपेक्सिटी क्या हो गई है, 50% हो गई है. ठीक है जी, तो ये काफ़ी हमने कहानियाँ पढ़ ली इसकी, और आगे की कहानी जो है ना, ये फॉर्म्स के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये भी आपने पढ़ना है. वेल, अब हम आ जाते हैं अपने जो एक्चुअल चीज़ की तरफ, जो बूटस्ट्रैप का एक्चुअल कंपोनेंट्स जो हमें पूरे पूरे बना के दे रहा होता है उसमें हम आ जाते हैं. अच्छा, एक कंपोनेंट हमने इसमें से डिस्कस कर लिया है, बटन्स करके जो है. ठीक है, ये 4-5 तरह के बटन हैं. अच्छा, इन 4-5 तरह के बटन के अलावा हमारे पास लिंक, इनमें क्या फ़र्क है यार, ये सारे एक जैसे हैं. अच्छा, ये यही बता रहा है कि यहाँ पे आप टाइप में सबमिट रखें या बटन रखें या रीसेट रखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा क्लास से. ठीक है, अगर आप एंकर टैग के ऊपर भी आके देखो, यहाँ पे ये एंकर टैग लगा हुआ है, इस पर भी आके बटन की क्लास लगा देते हैं, तो ये एक्चुअली क्या हो जाता है, ये बटन जैसा दिख जाता है. इस पर एंकर टैग की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो सारी ख़त्म हो जाती है इसके ऊपर से. अच्छा जी, बटन के एक तो कलर अलग अलग थे, उसके अलावा स्टाइल अलग अलग है. ये बटन कौन सा है, आउटलाइन बटन, इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, बटन बटन आउटलाइन प्राइमरी, इस तरह करके लगेगा ये बटन. सही है, बटन का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए बटन LG आप लगाएंगे तो बटन लार्ज हो जाएगा, अभी स्मॉल के लिए भी कोई ना कोई होगा. ये रहा बटन, SM लगाएंगे तो बटन थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा, नॉर्मल से कुछ नहीं लगाएंगे तो एक नॉर्मल साइज़ का बटन नज़र आएगा. आप बटन को डिसेबल कर सकते हैं. ठीक है, बटन को डिसेबल करने के लिए आपको कोई क्लास नहीं लगानी, जस्ट डिसेबल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिसेबल्ड हो जाएगा, क्लिक भी नहीं होगा और थोड़ा सा डिम भी हो जाएगा. ठीक है, अब ये शुरू से आखिर तक इन्होंने जितने तरह के पॉसिबल बटन्स हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे बता दिए. अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसने क्या बताया है, डिव क्लास ग्रिड गैप 2. अच्छा, अब ये जो ग्रिड है ना, ये क्या चीज़ है भला,
जैसे फ्लैक्स बॉक्स हमने पढ़ा था एक लेआउट सिस्टम, इसी तरह ग्रिड एक और लेआउट सिस्टम है जो फ्लैक्स बॉक्स के बाद आया है, ठीक है। और ऑलमोस्ट फ्लैक्स बॉक्स के जैसा ही है, बट इसमें जो है ना डिफरेंस जो है फ्लैक्स बॉक्स से, वो ये है कि फ्लैक्स बॉक्स एक वक्त में एक एक्सेस को देखता है, ठीक है। हमारे पास जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो या तो रो होगी या तो कॉलम होगी, है ना। अगर रो होगी तो हर एलिमेंट एक के बाद एक आ रहा होगा रो में, कॉलम होगी तो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा होगा, कॉलम रिवर्स होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा होगा। ग्रिड में डिफरेंस ये है कि ये टू एक्सेस है, बैक वक्त ऊपर और नीचे और दाएं बाएं दोनों को देख रहा होता है ये, ठीक है। वेल, ग्रिड हमने डिस्कस नहीं किया है, तो ये इन्होंने क्या बनाया है एक्चुअली, एक हम इसकी जगह फ्लैक्स बॉक्स भी बना सकते हैं। तो ये इन्होंने एक डिव बनाया है जिसको इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्ले ग्रिड, और डिस्प्ले ग्रिड लेकिन CSS से नहीं किया, बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन एक क्लास है उसके जरिए किया, और उसमें बता दिया कि गैप 2 है। अगर हम ये प्लेन CSS से बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डिस्प्ले ग्रिड और फ्लैक्स गैप 2 करते हैं, या ग्रिड गैप, मुझे नहीं पता उसमें क्या उसका प्रॉपर्टी का नाम होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली यही काम हम फ्लैक्स बॉक्स पे अगर हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स तो काफ़ी यूज़ किया है ना हमने, कैसा पैरेंट बनाऊंगा मैं तो वो इसको स्ट्रेच कर देगा हॉरिजॉन्टली, डायरेक्शन कॉलम करेंगे, हाँ फ्लैक्स बॉक्स बना के डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो टॉप टू बॉटम हो जाएगा, अलाइन आइटम्स को हम स्ट्रेच कर देंगे तो एग्जैक्ट सेम इसी तरह की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेच होगा तो ऑटोमेटिकली दोनों साइडों से जाके चमक जाएगा, तो ये वाला चक्कर है भाई। आ जाओ इसको लगा के देख लेते हैं फ्लैक्स बॉक्स के जरिए, सही है। हम ये वाली क्लास हटा देते हैं और हम क्या कह देते हैं इसको, हम इसको कह देते हैं पेरेंट कह देते हैं, सही। एक सिंपल सा एक नाम दे दिया इसको मैंने पेरेंट का, और यहाँ पे आके मैं क्या लगा देता हूँ, स्टाइल लगा देता हूँ, और मैं कहूँगा डॉट पेरेंट और डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले में ना ये ग्रिड भी आ रहा होता है ना, ठीक है, ग्रिड भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फ्लैक्स जो है वो क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड है तो इसलिए फ्लैक्स पड़ा है, और फ्लैक्स जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ये भी एक क्वालिटी है फ्लैक्स बॉक्स की, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स हमने एक क्लास में पूरा पढ़ लिया था यहाँ पे, उसके बाद जस्ट हमने उसको यूज़ किया है, पढ़ा नहीं था, पढ़ा एक ही क्लास में था। ग्रिड ऑन अदर हैंड थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्टेंट है उसके अंदर, क्योंकि वो टू एक्सेस है, दोनों साइडों को एक साथ देख रहा होता है, तो उसमें कॉन्टेंट थोड़ा ज़्यादा है, वो शायद 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट होता। अच्छा जी, क्या लगाना था इसके बाद, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम और क्या था, अलाइन आइटम्स, स्ट्रेच, ठीक है, गैप भी उन्होंने दिया था 2 करके, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज बन गई है, फ्लैक्स गैप भी लगा देते हैं इसमें, सिर्फ गैप था, सही है। ये क्या हुआ, पिक्सल भी लगाना था, अच्छा नहीं 2 पिक्सल तो बहुत कम है ना, इसको हम कर देते हैं 1 EM, सही है 1 EM, आपस में गैप आ गया। अच्छा, ऊपर नीचे नहीं आया, सिर्फ इन दोनों के दरमियान में आया। वेल, तो यहाँ पे भी इन्होंने ऊपर नीचे का तो खैर कुछ है ही नहीं, तो दिख नहीं रहा ऊपर नीचे वाला। अच्छा जी, तो ये डिपेंडिंग ऑन के पेरेंट आपका कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली बॉक्स भी ना, जो बटन भी आपका होगा वो उसके ऊपर आ जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, इन्होंने पेरेंट जो बनाया है वो एक ग्रिड पेरेंट बनाया है, गैप 2 दिया है इसमें और कॉल 6 बोला है इसको, ठीक है। अब कॉल 6 आप याद करें, 12 कॉलम जो ग्रिड हमने पढ़ा था, 12 कॉलम लेआउट, तो कॉल 6 का मतलब है कि 6 कॉलम ले लो, वो 12 कॉलम ग्रिड अलग है, वो 12 कॉलम अलग सिस्टम है, फ्लैक्स बॉक्स एक अलग सिस्टम है और ग्रिड एक अलग सिस्टम है, ये 3 सिस्टम है। लेआउट के और भी 2-3 सिस्टम है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए यहाँ पे। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्योंकि CSS का फ्रेमवर्क है तो ये सबकी खिचड़ी पकाता है, सही है। अभी देखो, ये ग्रिड भी लगाया इसने और ये कॉलम का भी जिक्र कर रहा है और MX भी ये जिक्र किया इसने। अब MX क्या चीज़ है, वो डिवाइस का कुछ चक्कर था ये, अभी जो हमने SM पढ़ा था, स्मॉल डिवाइस, स्मॉल मोबाइल,
और क्या था, XL, XXL, एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये SM वो वाला कोई चक्कर नहीं है। अभी वो जाएंगे ना ब्रेक पॉइंट्स में, हाँ तो ये अभी ब्रेक पॉइंट्स में जाएंगे तो ये MX समझ आ जाएगा कि MX का क्या चक्कर है। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी ग्रिड बनाया है, गैप दिया है टू, जस्टिफाई कंटेंट इन्होंने कर दिया एंड, तो ये हम एग्जैक्ट सेम काम हम फ्लैक्स बॉक्स में भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे एंड, फ्लैक्स एंड तो वो उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो कंफर्टेबल हो गए हो बूट स्ट्रैप से? नहीं हुए हो जाओगे थोड़ी देर, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, अगर किसी को ये फ्लैक्स बॉक्स नहीं पता होगा या ग्रिड का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा तो उसको नहीं समझ आएगी फिर ये। ठीक है, तो इसलिए बेसिक CSS पे टाइम लगाना ज़रूरी है। बाकी सेक्शंस में बाय द वे जावास्क्रिप्ट शुरू कर चुके हैं, वो 3 क्लास हो चुकी है जावास्क्रिप्ट की, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में हमने पढ़ी है CSS तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। वेल, तो अब हम अगले कंपोनेंट पर बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट हमारे पास हो सकता है ड्रॉप डाउन। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आपको ऐसे भी दिखेंगे ना जो HTML में मौजूद नहीं होते, जैसे बैज, ये HTML में मौजूद नहीं होता, ये इन्होंने बिल्कुल कस्टम बनाया हुआ है, डिव को लेके उसको तोड़ मरोड़ के और वो लगा के ना ऐसे करके बनाया होता है। ठीक है, लेकिन हम 2-4 कंपोनेंट वो देखते हैं जो HTML में मौजूद हैं, उसके बाद हम चलेंगे उन कंपोनेंट्स की तरफ। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन अच्छा सा प्यारा सा बना के आपको दे देगा बूटस्ट्रैप। उसका कोड कुछ इस तरह से लिखना होगा आपको, एक पेरेंट डिव होगा जिसको आप कहेंगे ड्रॉप डाउन है ये, उसके बाद एक बटन होगा जिसको आप कहेंगे बटन, और बटन सेकेंडरी, सेकेंडरी की जगह प्राइमरी होता तो ये ब्लू बटन होता है ना, प्राइमरी ब्लू था, बटन डेंजर होता तो ये रेड हो जाता, तो कोई सा भी बटन, और आप साथ में लगाएंगे कि ये बटन कौन सा है, ड्रॉप डाउन का टॉगल भी है, तो ड्रॉप डाउन टॉगल लगाने से ना इस पर ये एरो बना हुआ जाएगा। सही है, ये जो एरो बना हुआ आ रहा है ना ये इस क्लास की वजह से आ रहा है, और ये जो बटन गोल मेटल से आ रहा है ये बटन सेकेंडरी की वजह से आ रहा है, यानी कलर इसका डिसाइड हो रहा है बटन सेकेंडरी की वजह से, और सिर्फ BTN की वजह से ये इस पर जो हवर कर रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा ये हिल रहा है, और इसके क्लिक पे तो खैर वो रिपल विपल तो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, टाइप इसकी बटन दबाते बता दिया, और डेटा BS टॉगल करके इसको क्या बता दिया, ड्रॉप, यहाँ पे से कुछ कट रहा है शायद, हाँ ये कट रहा है। ठीक है, तो ये आपने एग्जैक्टली इस तरह लगाना है ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। उसके बाद आप लगाएंगे एक अदद UL पे भी आप एक क्लास लगाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, हर आइटम के ऊपर आप लगाएंगे ड्रॉप डाउन आइटम, तो आपको एज अ रिजल्ट ऐसा ही ये ड्रॉप डाउन बना हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन बटन के लिए HTML के अंदर कौन सा टैग होता है, सेलेक्ट का टैग होता है, सही है, और इसके अंदर जो दरमियान में आइटम्स होते हैं उनके लिए कौन सा टैग होता है, ऑप्शंस का टैग होता है, सही है। तो यहाँ पे नस्बतन आपका जो HTML है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन जो रिज़ल्ट है आपके पास वो काफ़ी साफ़ सुथरा मिलता है, और थोड़ा सा HTML लंबा करके आप CSS बचा लेते हैं अपनी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका। अच्छा, इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के जो ड्रॉप डाउन है ना वो आपको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस था बाई द वे? अच्छा, वो कह रहा है रोल बटन भी इस पे लगा दो आप। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सबका कोड नीचे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन से, तो स्प्लिट बटन अगर आप लिखेंगे तो ऐसे साइड पे हो जाएगा ये। ठीक है, स्प्लिट बटन के क्लास से हुआ है ये वाला। साइजिंग आप मेंशन कर सकते हैं, आप LG करके लगा देंगे ना बटन LG करके, तो ये बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बाकी बटन्स के नस्बत, ये देखो ये बड़ा नज़र आ रहा है नीचे वाला। स्मॉल लगाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा, वो बटन की आधी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, है ना, जो बटन के लिए इन्होंने ऐसी जेनेरिक क्लास बनाई है जो ड्रॉप डाउन में भी उसको रीयूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, डार्क ड्रॉप डाउन, इसको ये डेप्रिशिएट कर रहे हैं 5.3.0 में। एक ये कंपोनेंट हुआ करता था डार्क मेन्यू करके, इसको ये ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिशिएट का मतलब है कि अभी ये मौजूद है, चलेगा, बट आप इसको कोशिश करें आप इसको ना यूज़ करें। ठीक है जी, अच्छा ये पूरा बना हुआ नेव बार है,
ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा नैव बार है। नैव बार के अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे कंपनी का नाम होगा जहाँ पे नैव बार लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन होगा, ठीक है। इस तरह करके लगाना है आपने, तो ये पूरा नैव बार करके पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या था भाई, सेंटर्ड, मेक ड्रॉप डाउन मेन्यू सेंटर्ड बिलो विथ ड्रॉप डाउन सेंटर्ड ऑन पेरेंट एलिमेंट। अच्छा, पेरेंट एलिमेंट में इसको सेंटर करना हो, बट दिख तो नहीं रहा भाई, दबे पेरेंट एलिमेंट के अंदर ये सेंटर्ड हुआ हुआ दिख तो नहीं रहा, साइड पे दिख रहा है, बट ये कह रहे हैं कि ये लगाने से ये अपने पेरेंट एलिमेंट के सेंटर में हो जाता है, ठीक है जी। तो ये दो हमने कंपोनेंट वो देख लिया, अब ये आगे लंबी स्टोरी है इसकी, ठीक है। इस तरफ खोलना है तो ड्रॉप स्टार्ट करके इसको एक चीज़ देनी पड़ेगी जिससे ये इस तरफ खुलेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारे फ्रेमवर्क में मौजूद हैं। अब अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है या इस फ्रेमवर्क की फंक्शनैलिटी के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी खुद की CSS की फ़ाइल बनाएं, प्लेन CSS लिखें, उससे आपको ये रोकता नहीं है। आप खुद की कोई CSS अगर लिख रहे हैं किसी एक कंपोनेंट के लिए, तो उससे आपको ये रोकेगा नहीं। अब आ जाते हैं हम बैज पे, जो कि HTML का बिल्ट इन कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। बैज कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि एक मैसेज का आइकन बना हुआ है छोटा सा, उस पर लिखा हुआ है 4, उस पर लिखा हुआ है 99+, तो वो बैज इस तरह का होता है। बटन पे लगाना है तो ऐसे लगेगा, सही है। अगर बटन के टॉप पे लगाना है, ठीक है, उसको टोपी पे पहनानी है बटन को, तो ऐसे करके लगेगा, ठीक है। ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, इसको आप ये, इस पर क्लासेस लिखी हुई हैं कि ये कहाँ पर होना चाहिए। ये टॉप 0 और स्टार्ट 100 देखा देखा लग रहा है कुछ, क्या है ये पोजीशनिंग, हम जब ने पढ़ी थी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो ये क्लास असल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इन्होंने क्लास लगाई है पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी इस ये रेड वाला जो आइटम है ना, ये एक स्पैन है असल में, ये एक स्पैन है। इस पे इन्होंने लगाया कि पोजीशन हो जाओ एब्सोल्यूट, टॉप 0 यानी अपने छत से चिपक जाओ जाके, टॉप से 0 हो जाओ, और स्टार्ट से 100 हो जाओ, यानी कि ये स्टार्ट है ना इसका, फ्लैक्स स्टार्ट इस तरफ से होता है, तो यहाँ से 100 पे हो जाओ। तो ये 100 पिक्सल का बटन था, तो ये 100 का मतलब है कि कोने में बिल्कुल, ठीक है। और ट्रांसलेट मिडिल और बैज की एक क्लास लगाई है इन्होंने, राउंडेड पिल लगाया है। बैज कैसा हो, स्क्वायर हो या राउंड हो, तो इन्होंने बोला राउंडेड पिल हो बैज, ठीक है। BG डेंजर, अब बैज का जो कलर है वो डेंजर वाला कलर हो, यानी कि रेड कलर हो, ठीक है। तो अगर आप बैज को ब्लू करना चाहते हैं, आप बैज प्राइमरी कर देंगे, ठीक है। ये बैज की एक और किस्म है, इसको क्या कह रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं राउंडेड सर्कल। एक राउंडेड पिल था, ये राउंडेड सर्कल है, ठीक है जी। तो ये बैज एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि HTML में बिल्ट इन मौजूद नहीं है। अलर्ट के नाम से एक कंपोनेंट है, अलर्ट का कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है कि कोई भी चीज़ आपने इन्फॉर्म करना हो यूज़र को उसके बारे में, तो ये बना हुआ आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी को आप ईमेल सेंड करते हैं, तो साइड में लिखा हुआ आता है सेंड छोटा सा, या कहीं पे भी आप किसी यूट्यूब के ऊपर वीडियो को जब हम सेव करते हैं, तो वो नीचे लिखा हुआ जाता है कि सेव, टिक लगा हुआ जाता है, तो उसके लिए ये मौजूद है। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। एक डिव बनाएंगे आप, उस पर क्लास लगाएंगे अलर्ट, और अलर्ट प्राइमरी, और रोल अलर्ट साथ में मेंशन कर देंगे। रोल अलर्ट करने से क्या होगा, सिमेंटिक वैल्यूज जो अगर उसने ऐड करनी होगी तो वो ऐड कर देगा। अच्छा, कोलैप्स करके एक चीज़ है जो HTML में बिल्ट इन मौजूद नहीं है, ठीक है। ये है कोलैप्स, सही है। किसी भी चीज़ को गायब करना है आपने, कोलैप्स करके आमतौर पे लिस्ट वगैरह बनाई हुई होती है, ठीक है। ये टॉगल कोलैप्स है, सही है। इसका ये HTML का कोड है, इसको आप लिखेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, ट्रांजिशन के 0.35 सेकंड में ये ट्रांजिशन होता है, यानी खुल बंद होता है ये। इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप ये वेरिएबल चेंज करेंगे, उसकी टाइमिंग कम या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। CSS की क्लासेस कौन सी इस पर अप्लाई हुई हुई है, ये वाली अप्लाई हुई हुई है, इसको भी अगर आपने चेंज करना है तो आप जाके चेंज कर सकते हैं। अच्छा,
सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट नैव बार। नैव बार एक ऐसी चीज़ है जो आपको तकरीबन तमाम एप्लीकेशंस में चाहिए होती है। ये ऐसा नैव बार आपको ये बना के दे देता है, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, एक डिसेबल बटन लगा हुआ है, एक होम का बटन है, एक लिंक का बटन है। चार मेन्यू आइटम आमतौर पर होते हैं, वो चार यहाँ पर लगा के दिए हुए हैं। एक सर्च का बार है, सर्च का बटन है, सही है। तो इस तरह से कुछ आप कोड लिखेंगे तो ये नैव बार पूरा बन के आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं नैव बार में, टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है इसमें, इसमें इमेज इस्तेमाल हुई भी है, ठीक है। तो ये नैव बार में अलग अलग फिर इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है कि अलग अलग कैसे लगती हैं, ठीक है। सिर्फ सर्च बार अगर चाहिए नैव में आपको, ठीक है, सर्च बार लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, दोनों एग्जांपल मौजूद है। इतना कुछ इन्होंने बता दिया है कि आप हर तरह की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं नैव बार में। यही करना होता है आमतौर पे, कोई पिक्चर चेंज करनी होती है। हाँ, अगर आपने ये चेंज करना है कि ये सर्च बार जो है ना गोल नहीं आए, ये साइडें इसकी चकोर आ जाए या बटन की साइडें चकोर आ जाए, तो उसके लिए आपको खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो इनपुट बॉक्स में जाके देखेंगे, अगर तो यहाँ पे चकोर करने का कोई तरीका बताया हुआ है तो वो लगा देंगे। हाँ, ये ग्रीन वाला जो कलर है ना, देखो ये ग्रीन कलर किससे आ रहा है, बटन आउटलाइन सक्सेस, ठीक है। बटन आउटलाइन को हटा दोगे तो वो आउटलाइन वाला खत्म हो जाएगा और सॉलिड बटन आ जाएगा। सक्सेस जो है वो ग्रीन कलर को डिनोट कर रहा है, वो शुरू में बटन में देख लिया था हमने। इसमें डेंजर लगा दोगे तो रेड आ जाएगा। अच्छा, अब कस्टम कलर अगर लगाना है तो वो इन्होंने यहाँ कलर्स के जगह पे ना वो बताया हुआ था। हाँ, खुद से बिल्कुल लगा सकते हैं। ये कलर यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ये दोनों सेक्शन पढ़ोगे ना, ये किसमें था, ये गेटिंग स्टार्टेड में ही दिया हुआ है, कलर और कलर मोड्स। तो इनको देख लेना कि अगर उन पांचों कलर के या छह कलर के अलावा कुछ लगाना है तो वो कैसे लगता है, बूटस्ट्रैप में बटन का कलर कस्टम कैसे लगता है, ठीक है। वो वेरिएबल असल में बना हुआ है, पांच नाम है ना, तो पांच नाम से वेरिएबल बना हुआ है। अब वो पांच नाम के अलावा आप छठा एक नाम ऐड करोगे, कलर ऐड करोगे, फिर वो नाम लिखोगे तो वो आएगा, ये वाला चक्कर है। अच्छा जी, प्रोग्रेस बार बड़ा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने प्रोग्रेस बार डिस्प्ले करवाना है तो आप परसेंटेज वाला प्रोग्रेस बार डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू 0, 25, 50, 75, ये अलग अलग इस तरह प्रोग्रेस बार दिख रहा है। अच्छा, ये प्रोग्रेस बार आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो फिक्स है, ये आगे या पीछे कैसे होगा, तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फाइल मैंने अपलोड की है इंटरनेट पे, तो मुझे पता चल रहा होता है कि ये फाइल कितने परसेंट अपलोड हो गई है, तो मैं ये डायनेमिकली इसको चेंज करूंगा तो वो पूरा प्रोग्रेस बार चलता हुआ दिखता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक प्रोग्रेस बार होता है वो गोल वाला, जिसमें ये परसेंटेज नहीं होता, वो भी अभी यहाँ आ जाएगा। अच्छा, वो इसमें नहीं है, वो मेरे ख्याल है स्पिनर है वो, ठीक है। वो प्रोग्रेस बार तो ये वाला है, स्पिनर है गोल वाला, ये रहा। ये हम उस सूरत में चलाते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कितने परसेंट हो गई रिक्वेस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, कोई वेदर की एपीआई से वेदर मंगवाया, तो जब तक वो वेदर आ नहीं जाता हम इसको गोल गोल घुमाते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कितनी देर में देगा वो। आमतौर पे 500 मिली सेकेंड में, कभी कभी पूरा एक सेकेंड भी लग जाता है, कभी कभी दो सेकेंड भी लग जाते हैं। जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि ये टास्क कितनी देर में कंप्लीट होगा, वहाँ पे हम ये दिखाते हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड, जब बड़ी फाइल होती है कोई 1 GB की, उसको हम जब अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, तो सामने से जिस बकेट पे हम अपलोड कर रहे होते हैं वो हमें हर थोड़ी देर पे बताता है कि अभी इतने परसेंट मिल गया मुझे, इतने परसेंट मिल गया मुझे। तो अगर मुझे पता चल रहा होगा तो मैं प्रोग्रेस बार दिखा सकता हूँ, ठीक है। स्पिनर में भी वही है, स्पिनर बॉर्डर और टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस। तो ये कलर इसका देखो एक एक करके चेंज हो रहा है, ठीक है। कह रहे हैं भाई, अगर आपको कलर जो है ना कुछ आगे पीछे करना हो तो आप कलर यूटिलिटी वाले सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं कि कलर का क्या चक्कर है, ठीक है। ये सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है। ये कलर कैसे लगते हैं वो नज़र आ गया आपको यहाँ पे, ओपेक्सिटी वगैरह कैसे चेंज होती है ना, रीबूट में ये बताया था इन्होंने। ठीक है, कस्टम कलर कैसे लगेंगे आपके पास, ऐसे करके लगेंगे वो, ठीक है। प्राइमरी जो है वो ब्लू है, सेकेंडरी जो है वो ग्रे 600 है,
आप इसी तरह अपना कोई नाम ऐड करेंगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन ये आपको कैसे करना होगा, SCSS के फाइल में करना होगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि एक SCSS की फाइल इन वेरिएबल्स के लिए बना लें, बाकी खुद की CSS आप प्लेन CSS फाइल में लिख लें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल है गुड इनफ है बूटस्ट्रैप का इतना इंट्रोडक्शन। अब आगे क्या करना है आपने, एक तो ये गेटिंग स्टार्टेड में और ये कस्टमाइजेशन में और ये लेआउट में जो सारे टॉपिक्स इसने डिस्कस किए हैं, ये आपने खुद से पढ़ना है। ठीक है, ये खुद से पढ़ेंगे आप तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और अल्टीमेटली आपको बूटस्ट्रैप को ओवरऑल समझने में आसानी होगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड काम आपने ये करना है कि तमाम कंपोनेंट को एक एक करके आपने चला के देखना है। ठीक है, कि वो कंपोनेंट कैसे चल रहा है, क्या चक्कर है उसका। तो अच्छा, उसके बाद ये कुछ हेल्पर्स वगैरह भी डिस्कस किए हैं, टाइम अगर मिल जाए तो ये हेल्पर्स भी देख लेना ज़रा, ये पोजीशन, रेशो, स्टैक्स, कलर्ड लिंक्स वगैरह कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, हमारे पास बचे हैं 30 मिनट्स बचे हैं, हमने पढ़ना है टेम्पलेट्स।